सिजेसा में, सिजेसा से 2 किलोमीटर आगे वाला में ही एक पेशेंट पॉजिटिव हो गया, जिनको अभी क्या बोलता है फेसबुक में रखा है। और कल का भी देखा है तो कल में भी असम साइड में ना, अरुणाचल साइड में उसको मेंशन नहीं किया, तो बालुकपुंग का भी एक पॉजिटिव हुआ है। तो मान लीजिए ये ऑलमोस्ट मतलब दूरी कितना होगा, 1-2 किलोमीटर का ही दूरी होगा अरुणाचल बाउंड्री से। तो इसलिए हमको बहुत मतलब होशियार होना होगा। और अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अभी ये समय में बहुत हम लोग मतलब एक प्रिकॉशन लेना है कि ज़्यादातर देश से ऑल इंडिया कहाँ कहाँ पे हमारे जो बच्चे थे वो लोग वापस आ रहा है। ऑलमोस्ट अभी ट्रेन पहुँच रहा है, बस पहुँच रहा है, तो धीरे धीरे हमारा वाले डोमेस्टिक एयर पहुँच रहा है, एयर सर्विस। तो इसलिए अभी लोग वापस आ रहा है, जिस जगह में वो लोग बैठा था वो जगह इतना लोग उस एरिया में पॉजिटिव था, मरने का जगह से वो लोग वापस आ रहे हैं। नियम से होने देना है, नियम से क्वारंटाइन सेंटर में जाने देना है। वो हॉस्पिटल नहीं है, वो एकदम एक बैठे। तो ये आप लोग खेती खेती में भी जाके बताना है, घर घर में भी जाके बताना है। और ये बहुत मतलब डेंजर टाइम है और इसको हम लोग बच के आगे निकलना है। तो जितना हम लोग हेल्प करना था, जितना चावल खाना है, इसलिए हमारा सरोनी मैडम जी, इससे महिला प्रेसिडेंट मैडम जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, इतना तकलीफ करके आ दिया। इसलिए थोड़ा सा मास्क भी देते रही है। और मेरा इससे महिला मिर्चा मैडम भी आए हैं। मैडम भी आप भी थोड़ा सा कुछ शब्द कही है कि यहाँ का प्रोटीन ड्रीमो आदमी लोगों को थोड़ा सा बताइए, आप क्या कहाँ क्या क्या किया, वो कहाँ में अवेयरनेस किया, कैसे करके रखना है, ये सब बारे में थोड़ा सा मैडम। हाँ सर, हर चीज़ को फैला सके, अच्छा हो बुरा हो, इधर से हर चीज़, क्योंकि गाँव एक ऐसे ओल्डेस्ट एक टाउन माना जाता है। 1948 से जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद हमारा ये दैमो जो इस्टेब्लिश कर चुका है, ब्रिटिश के शासन के समय से लेकर के आज तक दैमो है। तो इस दैमो की 14 दैमो के एमएलए होने के नाते मैं सब जितना भी वासियों को मैं ये सोचना देना चाहता हूँ कि आज हम लोग हमारा महिला मोर्चा, बीजेपी की महिला मोर्चा लोग एक ये अवेयरनेस जो कैंप कंडक्ट किया गया है, जो मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए अभी हम लोग का हर नागरिक से मेरा अपील है, आप लोग कहीं भी जाएगा आप लोग मास्क लगा करके जाना है, क्योंकि जो हमारा जो वायरस जो है COVID-19 जो चल रहा है वो हमारा मुंह और नाक से ही इन्फेक्शन और शुरू होता है, उससे ही घुसता है। इसीलिए हम लोग अभी ये अवेयरनेस कैंप हम लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाहर से अभी लड़का लड़की सबको, जो हमारा भाई और बहनें जो बाहर में था, इन सबको अभी हम लोग अपने देश में लाने के लिए कोशिश में हैं और ला भी रहा है और आ भी रहा है। तो इसलिए मैं जितना दैमो का वासियों से मेरा यही अपील है कि आप लोग डरना नहीं है और अच्छा से अच्छा काम करना है और करने के लिए कोशिश करना है। और आप लोग का जो जैसे हम लोग का जो पुलिस लोग, मेडिकल स्टाफ लोग, आप लोग को आने जाने के लिए जो गेट में मना किया गया है, इसको आप लोग फॉलो अप करने के लिए कोशिश करना है। आप लोग के लिए जो पुलिस लोग आप लोग को योगदान दे रहा है, जैसे मेडिकल स्टाफ लोग योगदान दे रहा है, ये सिर्फ अपना के लिए नहीं कर रहा है, आप लोग को बचाने के लिए वो लोग अपना लाइफ को छोड़ के वो काम कर रहा है। हाल ही में आप सबको मालूम है 20 लाख करोड़ हमारे भारत के, हमारे गरीब जनताओं के लिए, हमारे बिजनेसमैन के लिए, हमारे एमएसएमई के लिए, हमारे कंपनीज के लिए, हमारे गांव-गांव के जितने भी जो
सड़क भी टूट गए हैं और जितने भी यूथ से मनरेगा में भी 40,000 करोड़ हमारा प्रधानमंत्री ने सारे गांव के जनताओं को गांव-गांव को कहीं मिलेंगे हर एक क्षेत्र के विकास में सड़क का हो बिजली का हो पानी का हो हर एक लोगों को काम देने के लिए हमारा प्रधानमंत्री ने सक्षम स्कीम लॉन्च किए है और ये 20 लाख करोड़ पैकेज जो हर एक इस देश के व्यक्ति के लिए इस देश के वासी के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में दिया है। मैं खास करके पापुन परे के डिप्टी कमिश्नर पापुन परे के जितने भी ऑफिसर्स पापुन परे के जितने भी जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं हमारे पार्टी के नेता लोग हैं मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये 20 लाख करोड़ कोरोना वायरस को रोकने के लिए बंद करने के लिए खत्म करने के लिए जो प्रधानमंत्री ने हमें दिए हैं किस किस को मिलना चाहिए कैसे कैसे देना चाहिए ये 20 लाख करोड़ को हर फूर हमारा पापुन परे में भी फायदा उठाना चाहिए। मैं ऑफिसर्स बिजनेसमैन इंटेलेक्चुअल्स हमारे कार्यकर्ताओं को इस 20 लाख करोड़ को भरपूर फायदा उठाने के लिए जनता को मदद करने के लिए आज के दिन मैं अपील करना चाहूँगा।